कहते हैं किस्मत बदलते देर नहीं लगती है, बशर्ते हमारे प्रयास सही दिशा में होने चाहिए और हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। आज की कहानी ऐसे ही दो भाइयों की है जो मुंबई के रहने वाले हैं। इन दोनों ने बेहद कम उम्र में सफलता की ऐसी लकीर खींची है जिसे देख सभी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं दो भाइयों की कहानी के बारे में। चार्टर्ड प्लेन, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का शौक और करोड़ों रुपए के आलीशान बंगले में रहने वाले इन दो भाइयों की गिनती आज देश के सबसे रईस लोगों में होती है। इन दोनों भाइयों को भारतीय एडटेक जगत की सबसे बड़ी हस्ती के रूप में देखा जाता है। इन भाइयों ने अपने डेढ़ दशक के करियर में लगभग एक दर्जन कंपनियां खड़ी की, जिसमें से 5 कंपनियों को बेचकर ही आज भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब आपके मन में इनके नाम जानने की दिलचस्पी जरूर उत्पन्न हो रही होगी, तो चलिए बिना देर किए बता दें, इन दो भाइयों का नाम दिव्यांग तुरखिया और भाविन तुरखिया है, जो आज देश के दिग्गज कारोबारियों में से एक है। 10-10 हजार करोड़ की निजी संपत्ति के मालिक इन भाइयों की सफलता की कहानी सच में बेहद प्रेरणादायक और रोचक है। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए तुरखिया भाइयों का बचपन जुहू और अंधेरी इलाकों में बीता। बचपन से ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की शौकीन दिव्यांक ने महज 13 साल की उम्र में अपने भाई के साथ मिलकर स्टॉक बाजार की कीमतों पर नजर रखने के लिए एक स्टॉक मार्केट सिमुलेशन गेम बनाया। उसके बाद दिनों दिन कंप्यूटर में बढ़ती रुचि की वजह से उनका पढ़ाई से नाता टूटता चला गया। हालांकि पिता के दबाव में आकर इन्होंने बीकॉम कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन कभी कॉलेज नहीं जाते थे। पूरे दिन दोनों भाई मिलकर घर पर ही कोडिंग किया करते थे। कोडिंग में जबरदस्त पकड़ बनाने के बाद दोनों भाइयों ने अपना कारोबार शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन कारोबार शुरू करने में सबसे बड़ी अड़चन शुरुआती पूंजी को लेकर थी। ऐसे में दोनों भाइयों ने किसी तरह पिता को मनाया और साल 1998 में उनके पिता 25,000 रुपए कर्ज के रूप में देने को राजी हुए। उस वक्त इन भाइयों ने सोचा भी नहीं था कि वे 16 साल बाद अरबपति की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। 16 साल की उम्र में अपने 18 साल के भाई भाविन तुरखिया के साथ मिलकर इन्होंने इस पैसे से वेबसाइट के डोमेन नाम देने वाली कंपनी डायरेक्टी की स्थापना की। डायरेक्टी भारतीय कंपनियों को वेबसाइट्स और इंटरनेट सर्विसेज मुहैया करवाती है। बाद में इसी कंपनी के बैनर तले बिग रॉक का जन्म हुआ, जो आज एक अग्रणी रजिस्टर्ड कंपनी है। इतना ही नहीं, साल 2001 में दोनों भाइयों ने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया। दोनों भाई डायरेक्टी के बैनर तले अब तक कुल 11 स्टार्टअप्स शुरू कर चुके हैं। मौजूदा दौर में डायरेक्टी ग्रुप के 1000 कर्मचारी और 10 लाख ग्राहक हैं। कंपनी की ग्रोथ सालाना 120% की दर से हो रही है। कुछ वर्ष पहले तुरखिया और उसके भाई ने एंड्यूरेंस इंटरनेशनल ग्रुप को 1,000 करोड़ रुपए में 4 ब्रांड बेचे थे। मीडिया नेट गूगल के एडसेंस की टक्कर के लिए बनाया गया था। इस प्रोडक्ट के लाइसेंस कई पब्लिशर्स, एड नेटवर्क और इंटरनेशनल एड टेक कंपनियों के पास है। मीडिया नेट न्यूयॉर्क, लॉस एंजलस, दुबई, ज्यूरिक, मुंबई और बैंगलोर से काम करती है। इसमें 800 कर्मचारी काम करते हैं। मीडिया नेट ने पिछले साल 1,554 करोड़ कमाए थे। वहीं कुछ वर्षों पहले इन्होंने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वेंचर मीडिया नेट को एक चाइनीज समूह के हाथों 90 करोड़ डॉलर में बेचा। इस मामले में इन्होंने गूगल और ट्विटर को भी पीछे छोड़ दिया। बता दे, दोनों भाइयों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होने के बावजूद दोनों बेहतरीन कोडर हैं। इन दोनों ने खुद के दम पर बिना किसी की सहायता के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज तुरखिया भाइयों को फर्स्ट इंडियन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।